एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से स्वागत है आपका बेरिश चैनल में। हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 2 का इंग्लिश करने जा रहे हैं, जो का बुक का नाम है रूट्स एंड विंग्स। रूट्स एंड विंग्स बुक का हम करेंगे आज चैप्टर 3। इसके पहले हमने ऑलमोस्ट चैप्टर 2 तक क्वेश्चन आंसर फिलअप जो भी था ग्रामर पोर्शन सब हमने डन कर लिया था। अभी हम करेंगे थर्ड चैप्टर, जो कि बी काइंड टू एनिमल्स दिया है। इसके पहले आपका एक पोयम था ही इज़ अ कॉल्ड डैड, तो इसे आपको लर्न कर लेना है, ठीक है। और अब हम बढ़ गए हैं चैप्टर 3 की ओर। ये हमने पोयम को नहीं करा, स्किप कर दिया। पोयम को हम एक एक करके पार्ट बाय पार्ट अलग से करेंगे, इसलिए हम सिर्फ चैप्टर कर रहे हैं। तो चैप्टर देखिए, तो देखिए सबसे पहले चैप्टर में क्या दिया हुआ है, गेट सेट स्टार्ट करते हैं। ए नंबर, टिक द पिक्चर ऑफ एनिमल्स विच कैन बी केप्ट एज अ पेट्स। यानी कि हम यहाँ जो पिक्चर्स दिए हैं, इसमें से कौन से ऐसे जानवर है जिसे हम पेट्स के तौर पे रख सकते हैं अपने पास। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को हेल्प कर सकते हैं अगर उन्हें कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो, क्योंकि अभी टू के स्टूडेंट टू स्टैंडर्ड के बच्चे हैं तो थोड़ा उन्हें प्रॉब्लम हो रहा होगा। बट कोई नहीं, मैं इतने से समझाऊंगी उन्हें भी नहीं, लेकिन पेरेंट्स अगर साथ देंगे तो बच्चे को और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि आप यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए हैं एनिमल्स के, उसमें से आप कौन से जानवर को पेट्स के तौर पे रखोगे, उसमें टिक करना है। तो देखिए पैरोट, रैबिट, कैट, बस इसके अलावा और किसी को हम पेट्स के तौर पे नहीं रखते, इसलिए इन तीनों को टिक कर दिया गया। फिर हम इधर बढ़ते हैं पेज नंबर 35 की ओर। स्टार्ट होता है रीड एंड एंजॉय। इट इज़ अ संडे सो इट इज़ अ हॉलीडे फॉर एवरीवन। यानी आज संडे है तो आज का दिन सबके लिए क्या होता है, छुट्टी का दिन होता है। टू फ्रेंड्स मीट, दो फ्रेंड्स जो हैं वो मिलते हैं, अबीर और रूहान। अबीर, रूहान, टुडे इज संडे लेट अस गो टू द जू। तो अबीर जो है वो रूहान से कहता है कि आज तो संडे है, चलो हम चलते हैं चिड़ियाघर। उसके बाद रूहान क्या बोलता है फिर, येस लेट अस डू दैट, हाँ चलो करते हैं, बट वी मस्ट आस्क आवर पेरेंट्स फर्स्ट, पहले मैं अपने मम्मी पापा से पूछ लूँ। फिर देखिए सडनली दे सी अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, अचानक उन्हें बच्चों का एक ग्रुप दिखता है। अबीर, रूहान, लुक आई कैन सी मैनी चिल्ड्रेन देयर। तो अबीर रूहान से कहता है, रूहान देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। तो रूहान बोलता है लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ गोइंग ऑन, चलो हम देखते हैं कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा है, पता करते हैं। अबीर, व्हाट इज़ द मैटर रूबी। तो अबीर जो था वहाँ, कोई रूबी नाम की लड़की थी, उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो रूबी बोलती है दिस डॉग इज़ हर्ट, यानी कि जो डॉगी है इसे चोट लग गई। समवन हिट इट विथ अ बाइक, किसी ने अपनी बाइक से इसे चोट पहुंचा दिया, हिट कर दिया, धक्का मार दिया या फिर चोट पहुंचा दिया। रूहान, वी मस्ट टेक इट टू द वेट, आई विल कॉल अ रिक्शा। तो वो कहता है कि चलो हम वेट के पास चलते। वेट जो होता है वो एक डॉक्टर का, जो डॉक्टर होते हैं जो जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें वेट कहा जाता है। देखिए वेट अ डॉक्टर फॉर एनिमल्स, यहाँ पे लिख भी दिया है इंजर्ड हर्ट, मीनिंग दे दिया गया है। रिक्शा पुलर, तो यानी कि रिक्शा चलाने वाला को देखते हैं लोग, प्लीज़ हेल्प मी पिक अप इन द इंजर्ड डॉग, कहते हैं प्लीज़ हमारी मदद करिए और इस घायल कुत्ते को आप ले के चलिए। अबीर, रूहान कैन गो इन द रिक्शा। अबीर बोलता है रूहान चलो रिक्शे पे। हिज डैड वॉक नियर द क्लिनिक ऑफ द वेट, तो क्या उसका जो उसके जो पापा थे रूहान के, वो एक क्लिनिक में, मतलब कि वो जानवरों के डॉक्टर थे। ही कैन हेल्प अस, वी विल गैदर इन द पार्क आफ्टर दैट, वो हमारी मदद करेंगे, हम आज उनसे, वी विल गैदर इन द पार्क आफ्टर दैट, इसके बाद हम सब एक पार्क में मिलेंगे। इन द पार्क, गैदर मतलब इकट्ठे होंगे। अबीर, एज यू ऑल नो वी हैव अ क्लब कॉल्ड हेल्प क्लब, हेयर आई वॉन्ट ऑल यू टू ज्वाइन द क्लब। यानी वो सब एक साथ मिलते हैं, जो जो बच्चे उस कुत्ते को बचाए थे वो सब मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि हम एक हेल्प क्लब बनाएंगे। आई वॉन्ट ऑल द, और आप सबसे मैं चाहता हूँ आप सब ज्वाइन करो।
रवीना, रवीना नाम की एक लड़की होगी, व्हाट डू यू ऑल डू इन द क्लब? तो वो पूछती है कि हम सब क्या करेंगे उस क्लब में। जैसे ये बच्चे एक एक करके सबका नाम बता रहा है, एक का नाम रूबी था, एक का नाम रवीना है, एक का नाम अबीर है, एक का नाम रूहान है, इस तरह से एक एक करके सबका नाम बता रहा है। वो किस तरह से बातें कर रहे हैं, अबीर, द क्लब हेल्प्स ऑल एनिमल्स, द वंस मैन लिव ऑन द स्ट्रीट, दे डाई व्हेन दे आर सिक और हर्ट। यानी वो कहता है कि ये क्लब होगा जानवरों के मदद के लिए, जिसमें अगर कोई रास्ते पे हर्ट हो जाता है, मर जाता है या फिर बीमार होता है, उसके लिए हम ये क्लब बनाएंगे। पीयूष, उसमें से एक पीयूष नाम का लड़का बोलता है, आई थिंक इट इज़ अ गुड आइडिया, कहता है ये बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे ख्याल से अच्छा आइडिया है। वी मस्ट बी काइंड टू देम एंड टेक केयर ऑफ देम, दे आर आवर फ्रेंड्स, हम वी मस्ट बी काइंड टू देम एंड टेक केयर ऑफ देम, हम सब मिलके उनके लिए उनकी उनके उन मतलब कि उनका मतलब ख्याल रखेंगे, दे आर आवर फ्रेंड्स, हम सभी दोस्त मिलके, यानी वे सारे दोस्त मिलकर, ये कहता है। अभी व्हेन वी सी एन एनिमल ऑन द रोड और इन द पार्क, सीक और हॉट, वी टेक इट टू द वेट, टू अ वेट, यानी कि कोई भी अगर कभी भी किसी को, हम दोस्तों को अगर कभी भी कोई जानवर ऐसा दिखता है कहीं भी पार्क में, रोड पे, घायल है, हर्ट है, तो उसे हम वेट यानी जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। राकेश, उनमें से एक लड़का राकेश नाम का था, वो बोलता है, व्हेन डू यू ऑल मीट, कब मिलेंगे हम सब? अबीर, वेल वी मीट एवरी संडे, तो अबीर क्या बोलता है, ओ हाँ ठीक है, हम सब संडे को मिलेंगे। वी ऑल्सो टेल आवर फ्रेंड्स टू बी काइंड टू एनिमल्स, और सारे दोस्तों को वो बताता है कि हम सारे जानवरों के प्रति काइंड मतलब दया दिखाना, उनकी केयर करना। समटाइम्स वी कीप देम एज अ पेट्स, वी कीप देम एज अ पेट्स, और फिर कहता है कि हम क्या करेंगे, उन्हें अपना पेट्स बनाएंगे, पेट की तरह रखेंगे। रूहान ऑल्सो कम टू द पार्क, रूहान पार्क में आता है। रूहान, फ्रेंड्स द वेट हैज़ अ गिवन मेडिसिन टू द डॉग, कहता है कि दोस्तों वेट ने इसे मेडिसिन दिया डॉगी के लिए। ही सेज दैट इट इज़ ऑल राइट नाउ, उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि अभी फ़िलहाल जो ये डॉगी है वो अच्छा है। अबीर, गुड न्यूज़ रूहान, गुड न्यूज़ रूहान, यानी वाओ बहुत अच्छा, तुमने अच्छा खबर दिया। रूहान को बोलता है अबीर, वी ऑल आर वेरी हैप्पी, सब बहुत खुश होते हैं। वी ऑल्सो थैंक यू फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ दिस डॉग, और कहते हैं हम सबको थैंक यू इस कुत्ते का जान बचाने के लिए, मे गॉड ब्लेस यू, कहते हैं मे गॉड ब्लेस, मतलब वो ब्लेसिंग करते हैं। तो इसी के साथ जो ये चैप्टर था, बी काइंड ऑफ द एनिमल्स, बी काइंड टू द एनिमल्स, वो हमारा जो चैप्टर था समरी ख़त्म होता है। उसके बाद हम टिक आउट की ओर बढ़ते हैं, बट आज के लिए हमारा जो ये चैप्टर का समरी था वही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे टिक आउट क्वेश्चंस जो भी दिए हुए हैं उसके साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करें चैनल को। बाय बाय एंड थैंक यू।